नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने जैसा कहा था पिछले वीडियो में कि आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन आर्मी भर्ती के वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर दोस्तों डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते हैं तो रेस में आने के बावजूद भी आपको वहाँ से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने हैं इस भर्ती में। ठीक है, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अलवर आर्मी भर्ती की पल पल की अपडेट एंड इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें दोस्तों आप सभी जो डिमांड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उन सभी पे वीडियो आ रहा है। आप देख सकते हैं चैनल पे जाके जो भी डिमांड है कॉमेंट बॉक्स में रखिए, उन पर तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बस इतना ही कीजिए, चैनल के साथ बने रहे सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मूल निवास है और मूल निवास आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं बनवाया तो अभी बनवा सकते हो, 7 दिन या फिर 5 दिन के अंदर अंदर ये आ जाता है बनके। ठीक है, अगले डॉक्यूमेंट की ओर चलते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र। आप जनरल से हो तो भी इंडियन आर्मी दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगेगी। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो जाति प्रमाण पत्र बना के ले जा सकते हो। ठीक है, और कुछ लोग वैलिडिटी मांग रहे हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 महीने ही वैलिड रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर 6 महीने वैलिड है ठीक है, लेकिन आप 2 साल पुराना है वो भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला डॉक्यूमेंट आपकी 12th की मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये रही 12th की मार्कशीट, अगर आपने टेक्निकल कलरक इन वगैरह से अप्लाई किया है तो। ठीक है, अगर GD से अप्लाई किया तो ओनली ऑन 10th की मार्कशीट लेके जानी है, और कलरक एंड टेक्निकल से अप्लाई किया है तो आपको मार्कशीट लेके जानी। ठीक है, ये रही 10th की मार्कशीट। उसके बाद में बात करें यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है, तो अगला डॉक्यूमेंट आपने इंडियन आर्मी में जो फॉर्म अप्लाई किया है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, अगले डॉक्यूमेंट की बात करें, अगला डॉक्यूमेंट है कोरोना वायरस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए ये कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट है, आपकी जाँच है वो जो नेगेटिव आती है वो आपको लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको हॉस्पिटल से ये नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड कोविड फ्री सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोरोना वायरस सर्टिफिकेट फुल डिटेल से किस प्रकार से बनाते हैं, सारी प्रोसेस का एक वीडियो हमारे चैनल पर जल्द आने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह तक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए नो रिस्क सर्टिफिकेट और आपको कोरोना फ्री सर्टिफिकेट बनाना है, किस प्रकार से ये सारी प्रोसेस रहती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप इतना यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर लेकर जाना है अविवाहित प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो प्रिंटेड मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपका नाम भरना है, यहाँ पर पापा का नाम भरना है, निवासी भरना है, यहाँ पर आपके सरकार मतलब जो सरपंच है उसके हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी। ठीक है, ऐसा कुछ करना है सेम टू सेम आपको। ठीक है, या चरित्र प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से है, कोरोना वायरस सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट एंड आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये यह रहा आपका एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट का ऑफिशियली पेज मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका एफिडेविट। इस प्रकार से आपका कुछ एफिडेविट होगा जो आपको दोस्तों आपकी जो आप एडमिट कार्ड देखते हो उस समय जो होता है ना वो निकाल के लेके जाना आपको, और साथ ही दोस्तों तहसील में इसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आपका अगले डॉक्यूमेंट, तो अगला दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपका दोस्तों एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड 2 लेके जाना है आपको, और ऐसी फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकानी है, और यहाँ पर अपना आधा साइन करना है। ठीक है, उसके बाद में आधा मतलब फ़ोटो पे और आधा नीचे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसे फोल्ड भी नहीं करना, और ये रंगीन नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ये आर्मी वालों की शर्त है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा डॉक्यूमेंट का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ इसके बाहर कुछ भी नहीं लेके जाना आपको, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही इनकी फ़ोटो कॉपी, ठीक है, जो मार्कशीट है उन वगैरह इनकी। ठीक है, कोरोना वायरस फ्री सर्टिफिकेट एंड जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार से निकलवानी होती है वो उसका फुल वीडियो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। कल सुबह तक आपको वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो आप क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया अलवर आर्मी भर्ती वालों के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।